सर रुकिए सर, सर मेरा दो जन पीछा कर रहे हैं, उनसे जान बचा के आ रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए सर। ठीक है बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, नमस्ते मिस्टर करण। कौन है? पिता का नाम मुरारी, माँ का नाम पार्वती, गांव नगर कोयल, 2002 का बैच, 6 साल की सर्विस, 7 ट्रांसफर, 4 सस्पेंशन। अपने बारे में बेफिक्र, महीने का पगार 24,500 रुपए, साइन करके लेने वाले ईमानदार पुलिस ऑफिसर। अभी अभी मरे हुए भटकते हुए टेंशन में एमपी के बेटे को मार के 8वीं बार ट्रांसफर लेने वाले एक स्पेशल पुलिस मिस्टर करण। मेरे बारे में तुझे सारी डिटेल्स पता है, इसका मतलब तू मेरे आसपास ही रहने वाला है। कौन है तू? सुपर, सही पहचाना। मेरा नाम फकत है, तू मेरे इलाके के अंदर आ चुका है, इसीलिए मैं तेरे इलाके के अंदर अपना आदमी भेज रहा हूँ। क्या बोल रहे तू? समझा नहीं। समझा नहीं क्या? तू मेरे मैटर में दखल अंदाजी कर रहा है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं। तुझे मारने के लिए मैंने अपना आदमी निकोलस तेरे पास भेजा है। तेरा आदमी है ये? शरीफ बन के मुझे मारने के लिए आया है? क्या हुआ सर, क्या बात है? इसको गुमराह कर रहा है। नमस्ते सर। ये फकत कौन है? मुझे कुछ पता नहीं सर। फकत ने मुझे सब कुछ बता दिया है, उससे फोन पे बात करेगा? करना ले करना। सर सर नहीं सर, सब कुछ सच सच बता दे, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बचाओगे ना सर? मैं तुझे प्रोटेक्शन दूंगा सर। फकत सिटी में एक बहुत बड़ा डॉन है सर, उसके पास कई सालों से काम कर रहा हूँ सर। आपके डिपार्टमेंट में भी किसी ने उसको देखा नहीं सर। इंटरनेशनल लेवल में उसका बहुत बड़ा लिंक है, एक फोन घुमाएगा कैसा भी मैटर को खत्म कर देगा। ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों को भेज के उसको खत्म करवा देगा। ऐसी कौन सी डील करता है वो? सिटी में चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, इसे खबर दिए बिना कोई बिजनेस नहीं कर सकता सर। सिटी में जितने भी बड़े बिल्डिंग है सर, आधे इसके नाम पे हैं। कैसे पूछोगे आप? बिल्डर बिल्डिंग बनाने के लिए बेसमेंट बनाएंगे तो उसका पूरा बायोडाटा उठा लेते हैं। बिल्डिंग फिनिश स्टेज में हम लोग अंदर आते हैं, फर्स्ट धमकी देके उससे पूछ के देखते हैं, नहीं दिया तो उसके घर से किसी को उठा लेते हैं, फिर भी काम नहीं हुआ तो उसी को खत्म कर देते हैं। खत्म करके बिल्डिंग को अपने नाम कर लेते हैं। ऐसे ही कई बिल्डिंग उसके हाथ में आए हैं। मेरा और उसका एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया सर, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। दूसरा धंधा आता नहीं है, जो आता है वो मैं बाहर आके किया, लेकिन उसको पसंद नहीं आया, मुझे मारने के लिए लोग भेजे। उसी समय भगवान बन के आप मुझे बचाने आ गए सर। तूने जो कुछ भी कहा वो मुझे समझ आ गया, तुझसे मुझे एक काम कराना है, करेगा? क्या बोल रहे हो सर, आपके लिए मुझे क्या करना होगा बताइए सर, जरूर करूंगा सर। मेरे साथ आ, बताता हूँ। इसको कहीं देखा है? सर ये तो स्टीफन है सर, बहुत बड़ा बिल्डर बनने आया था सर। सिटी के बीच में उसने एक बिल्डिंग बनाई थी सर, फकत हमेशा की तरह डील करने गया था सर। मैंने आदमी भेजा, तूने सुना नहीं? पैसा भेजा तो तूने लिया नहीं, इसलिए मैं सामने ही आ गया। तेरी बिल्डिंग के लिए 1 स्क्वायर फीट की कीमत 3500 रुपए है, इसके बाद बिल्डिंग चाहिए या तेरी जान, चॉइस इज योर्स। तूने बात नहीं मानी ना, तुझे मारने के लिए भेजा है। आप कौन हो और यहां क्यों आए हो? जाओ जाओ यहां से, ये मेरी बिल्डिंग है। हमको जाना पड़ेगा, भाई ने कितना समझाया था तेरे को, वर्कआउट नहीं हुआ। पहले जो दिया उसको लेके जाना चाहिए था, तो हम लोग यहां पे नहीं आते थे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। नहीं हो सकता, मैं सेटलमेंट की बात कर रहा हूं, इज्जत से निकल जा। मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो मुझको, ये बिल्डिंग मेरी जिंदगी का सपना है, मत मारो प्लीज मत मारो। डाल देंगे क्या?
हमें बाहर जाने के लिए बोल रहा है यार। बाहर क्यों उठा रही इसको? उसको उसी के बिल्डिंग में मार के लटका दिया। अच्छा ठीक है, तू यहां से निकल। सर जितना फकत करने को बोलता था मैं उतना ही करता था सर। बोला ना निकल यहां से। सर आपके भरोसे पे ही जा रहा हूं, जा सकता हूं ना सर? मैं देख लूंगा, अब तू जा यहां से। बोल निकोलस। सर फकत के आदमी बॉन कंपनी गए हैं, अभी आएंगे तो पकड़ सकते हैं, जल्दी आइए सर। ओके मैं अभी आ रहा हूं। कुछ हुआ? अरे स्टीफन, भूत का नाटक करने वाला स्टीफन तू जिंदा है मुझे कैसे पता चला? पता है तेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा था, एक टाइटन वॉच, एक अंगूठी और पर्स में 100 रुपए मिले। इसके बाद तुझे ढूंढने के लिए मेरे पास एक ही कारण था। कोई भी भूत गले में क्रॉस पहनता है क्या? तब से मैंने तुझे ढूंढना शुरू कर दिया था। तू जहाँ पैदा हुआ, जहाँ रहता था, तूने जहाँ पढ़ाई की, हर जगह ढूंढा। सबने यही बताया कि तू एक अच्छा इंसान था। कोई भी साधारण इंसान मौत के बारे में सोच के डर जाता है, लेकिन तू जिंदा होके भी मरा हुआ है। सोसाइटी में अफवाह उड़ा के भूत बन के जी रहा। किस लिए किया तूने ये सब नाटक? आखिर मकसद क्या है तेरा? क्यों किया तूने ये सब? बता स्टीफन। बताता हूं सर, मैं एक अनाथ हूं। मुझे पढ़ा लिखा कर एक सिविल इंजीनियर बनाया, वो है फादर फर्नांडिस। मेरा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने का सपना था, वो सपना मैंने फादर को बताया, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बिल्डिंग बनाने की इजाजत दे दी थी, और तभी पीटर की बेटी सोफिया से मेरी मुलाकात हो गई और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अपने सपनों की बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा। बिल्डिंग का काम पूरा होते ही फकत मेरी सपनों की बिल्डिंग को हड़पना चाहता था। उसने मुझे धमकी भी दी, मारने के लिए लोग भी भेजे और मुझे मार दिया सर। सोफिया को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ सर। अब आप ही बताइए सर, इसके अलावा क्या कर सकता था? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी सोफिया को मेरे नाम से डिस्टर्ब मत कीजिए सर। करण सर,
एक मिनट वेट करो सर। सर नमस्ते सर। निकोलस इस समय तू यहाँ? सर चलिए सर स्टीफन को दिखाता हूँ। पागल हो गया है क्या तू? क्या हुआ? स्टीफन अंदर ही बैठा है। अंदर बैठा है? चल मैं दिखाता हूँ। सर सर चल। कौन से स्टीफन के बारे में बात कर रहे हैं सर? हाँ हाँ स्टीफन कहाँ चला गया ये? सर सर हाँ कहाँ है सर स्टीफन? अभी तो यहीं बैठा था। क्या सर आप भी भूत की स्टोरी सुना रहे हो? स्टीफन इतने दिनों से जिंदा ही था सर, अभी अभी मरा है। चलिए उसकी लाश को दिखाता हूँ। बहुत कंफ्यूजन हो रही है, आखिर इसने देखा किसको? सर सर आइए सर। सर सर उस तरफ आइए, दिखाता हूँ सर। सर यहाँ पर पड़ा है सर, ये देखिए इसका। सर यकीन नहीं कर रहे थे ना, स्टीफन यहाँ पर पड़ा है देखिए। ये यहाँ पर कैसे आ गया? तूने कैसे देखा? सर फकत के आदमी लोग मुझे मारने के लिए पीछा कर रहे थे, उनसे बचकर मैं यहाँ छुप गया था, तभी मैंने देखा। पर नहीं पहुंच पाया था इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया, अभी यहाँ पर पहुंचा हूं तुमसे बात। स्टीफन तू अभी तक मरा नहीं? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, चुप कर मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। Open the door. Open. Come on, come on. Fahad bhai, Nicholas escape ho gaya hai. And one more good news. Stephen is still alive. यकीन नहीं था। उसे अपनी जगह पर लेकर आ। हम लोग वहीं पर आ रहे हैं। लोग को कुछ नहीं हुआ ना? हम बिल्कुल safe हैं भाई। किसी ने नहीं देखा भाई। Yes, we are safe. Okay. Okay भाई। जल्दी लेकर आओ। Okay, okay. Hey, वो फोन उठा। उठाता हूँ सर। सर कोई सोफिया है सर। मुझे दो। सोफिया? ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ये सच है? तो फिर घर पे जो मुझसे बात कर रहा था वो कौन था? निकोलस तू निकल यहां से। सर एविडेंस इसमें है। शो मी करण। ये है सर। स्टीफन? हाँ सर। आई कांट बिलीव इट, क्लोज इट। करण ये अनऑफिशियली ऑपरेशन किया है हमने, ये बात किसी को पता ना चले। सर आप अभी एक ही स्टीफन को देख रहे हैं, लेकिन इस तरह से कई लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कईयों को मारा है। आप क्या करने की सोचा है? हम कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि उसका नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में है, उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां और पॉलिटिकल्स लोग हैं, उनका उसे फुल सपोर्ट है। और इतना ही नहीं,
अपने डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग उसका साथ दे रहे हैं। सर को वहीं रहने दो करण, पूछ को काट देंगे। What do you mean, sir? तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ, सर या पूछ, वो फकत जिंदा नहीं रहना चाहिए। Yes, sir. तो फिर ये डेड बॉडी, उसे अरना कोड में रखो। कसने लगा है धीरे धीरे कानून का फंदा, बंद हो जाएगा गैर कानूनी हर एक धंधा, बच पाएगा नहीं मुजरिम यहाँ कोई, तुझे ढूंढ ही लेंगे हाथ बड़े कानून के लंबे। अब जाएगा जिधर तू आएगा नजर, तेरे पीछे पीछे घूमेंगे कानून के फंदे। All y'all bitches know we get it on. Yeah, yeah. Green, cause I possess the ability to run up on the microphone and battle down these MCs. All y'all bitches know we get it on. Yeah, yeah. Green, cause I possess the ability to run up on the microphone and battle down these MCs. बनाओ लाल ऐसा बिछाओ जाग, जो भी फंसे वो बच पाना, कोई भी ढंग रहे चलती ये जंग रहे, जब तक ना जीते हम रुकना। कभी ऐसा वक्त जो आएगा कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, फिर होश कर कुछ जोश कर, लेकिन हिम्मत ना हारना नौजवान। All y'all bitches know we get it on. Yeah, yeah. Cause I possess the ability to run up on the microphone and battle down these MCs. All y'all bitches know we get it on. Yeah, yeah. देखो बेटा, आप अच्छे से मेहनत करो, अगले साल तुम्हारा निकाह करवा देंगे हम लोग, तुम्हारी उम्र चलती जा रही है बेटे। सलाम वालेकुम। शहर में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बना कर दे दूंगा बोला था मैंने तेरे बाप को, और तू झोपड़पट्टी में बिरयानी बना रहा है। तेरी जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है क्या? जिंदगी के बारे में तू बात करेगा, जिंदगी जीना मुझे मत सिखा। चुपचाप बिरयानी खा और यहाँ से निकल जा। ए, बिरयानी दे इसको। ये कभी नहीं सुधरेगा। तू ना कभी नहीं सुधरेगा। लीजिए। तेरा बाप कभी नहीं सुधरेगा। अरे तू सुधर जा। अरे वो कहानी छोड़, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो जिंदगी भर बिरयानी ही बनाता रहेगा। वो सब हम बना लेंगे, तू निकल। बाय बाय। निकोलस ने धोखा दिया, उसको छोड़ना मत। निकोलस ने हमें गेम दिया है। शूट देम, शूट देम। मनो पे यकीन करके चुपनी कर दिया नालायक। देव कभी मत छोड़ना। शूट कर दो। शूट देम, शूट देम, शूट देम। Hey!
आ जाओ। चलिए ऊपर चल के देखते हैं। स्टीफन आए होंगे क्या? स्टीफन सर। 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 स्टीफन सर। स्टीफन सर। क्यों जी? कहाँ है? पता नहीं चल रहा। अरे मुझे भी नहीं पता। स्टीफन पता नहीं कहाँ गए। सर। सर। आप उस तरफ जाके देखिए। हाँ देखता हूँ, देखता हूँ। यहाँ नहीं सर? है। सर। कहाँ गए होंगे? स्टीफन सर। स्टीफन सर। सर। स्टीफन सर। स्टीफन सर। अरे बाप रे! सुनिए जी, इधर आइए, यहाँ जल्दी आइए, जल्दी आइए ना, ऊपर देखिए। क्या? हे भगवान! और बाप रे! स्टीफन सर! भगवान! देखिए ना! हे भगवान! हेलो! सर 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 प्लीज प्लीज सर एक सेकंड। कैसे हुआ? क्या मैं बता सकते हैं? थोड़ा हट जाओ सर। थोड़ा सा कॉपरेट तो कीजिए कॉन्स्टेबल। जरा बोलिए इनको, बोलिए इनको हटने के लिए। प्लीज प्लीज जाने दीजिए मुझे। सर केस में क्या प्रोग्रेस है सर? किसने फोन किया था? नमस्ते सर। इसे नीचे उतारो। ओके सर। सर इट्स अ मर्डर ऑफ सुसाइड सर। ये आत्महत्या है या मर्डर? हाँ जी वही है, आप लोग खुद ही फैसला कर लीजिए, पॉलिटिकल है कि मर्डर है, सुसाइड है। मैं खुद ही अभी अभी आया हूँ, मुझे भी नहीं पता। पता चलते ही मैं सामने से खुद फोन करके आपको बताऊंगा, ठीक है ना? अभी आप जाइए। हेलो आप दोनों ही विटनेस हो ना? यस सर। आप दोनों बाहर नहीं जा सकते, आपको यहीं रहना होगा। ओके सर। मैं जब भी बुलाऊंगा थाने में आ जाना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। सर प्लीज सर आप ऐसे नहीं जा सकते, हमें जवाब देना ही होगा सर। नहीं सर, नहीं सर, सर नहीं। लड़कियों के साथ खेलता है? तो जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ? इतनी हिम्मत आती कहां से है तुझमें? हाँ? रेप किया मैंने, ये कोई बड़ा गुनाह है क्या सर? इसके लिए मार रहे हो तुम? तुझे मारना नहीं चाहिए, सीधे गोली मार देना चाहिए। हाँ? मार सर, सर। तू अकेला है या और भी है बताओ? छोड़ दीजिए सर, साथ कितने लोग हैं? छोड़ सर, को देखो। सर सर अच्छे से मार बोल जल्दी। गोल। ये लोग ऐसे ही सुधरेंगे। क्या हुआ? ये सर तुरंत ये लो खड़ी साहब को दे दो। लॉक करो। ये लीजिए सर। इसे पानी भी मत देना। ओके सर। स्टीफन की कब्र। स्टीफन हाँ यही है। पर स्टीफन ये आपका भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलिए चलते हैं। hey, you know. कितनी बार बताया हूं ड्यूटी के समय डिस्टर्ब मत किया करो। इस केस के खत्म हो जाने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए करण, चाहे कितने भी साल लग जाए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके। ये मेरे पास
पापा के फ्रेंड है मल्ले स्वामी जी, ये कैसे भी भूत को चुटकियों में भगा देते हैं। इसके बाद भूत को ढूंढते हुए तुम्हें बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर भी भूत है ना उसे लेके स्वामी जी के पास चले जाना। मरने वाले का कोई सामान लेकर आए हो क्या? हाँ लाया हूँ। वो सामान हवन कुंड में डाल दो। कौन हो तुम? मेरी पूजा पर संदेह करके मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? मैं तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं आया हूं। तू जिसे मर गया बोल रहा है वो आदमी अभी तक जिंदा है। उसकी दो मौतें हैं, एक दिन वो खुद तुझे ढूंढते हुए आएगा। जा। स्वामी वो अभी कहां होगा? पुलिस का दिमाग है तेरा, हाँ? सवाल पर सवाल कर रहा है, जा। हे, ओके। वहाँ पर स्टीफन नहीं है। मैंने उसे नहीं देखा उसको। नहीं, मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर स्टीफन नहीं था। तुम डरो मत, मैं हूँ ना। ओपन करो। आई सेड ओपन दैट। खुद के गाड़े बिना ही ऊपर रख दिया। जल्दी खोलो इसे। ओके सर। डमी को रख के बेवकूफ बनाया। हाँ सर।